तो राम राम भाई, स्वागत है भाई मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई आज का सीन है राजस्थान जाना भाई, यमुनानगर टू राजस्थान। भाई अपने रिश्तेदार ने कुछ काम था भाई, आता है उसको भी आपको आपसे मिलवाएंगे भाई। अभी बैंक में गए हुए हैं रिश्तेदार भाई, अपना बैंक में गया तो भाई अब कैश लेके आएगा भाई, वो फिर चलते हैं राजस्थान। और भाई वहां के आपको सीनरी सब कुछ दिखाएंगे भाई, बने रहियो। बड़ा पहुंच गए हैं भाई, और ये अपने रिश्तेदार हैं राम राम जी। तो भाई चलते हैं, अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे भाई, आपको दिखाएंगे। ठीक है, लंच कैसे होता है? लंच कैसे होता है? लंच ढाबे पे होता है। फिर दिखाएंगे क्या? ना दिखाएंगे, एजेंट समझ गए। लंच कैसे दिखाएंगे, ये तो गलत है ना। अच्छा ये बताओ भी, राजस्थान की पूरी लोकेशन बता दो, मतलब मैंने पता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ जा रहा। हम यहाँ से हम बड़ा जाएंगे, हम बड़ा से नारनौल कोटपुतली, जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से हम जाएंगे किशनगढ़। अच्छा, जो मूर्तियों की बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक ठीक, हाँ। तो उनके मामले में किशनगढ़ बहुत फेमस है, जहाँ पत्थर का काम ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट का पत्थर होता है। तो वही मेरे पता नहीं था, तो अपने रिश्तेदार है भाई, इन्होंने बताया। इन्होंने हमारा भाई प्लान था दिल्ली जाने का, पर वहाँ से हमारा एकदम कैंसिल हो गया किसी वजह कारण। पर हम दिल्ली भी जाएंगे, पर राजस्थान से उधर से उधर करके जाएंगे। मजाक कर रहा है भाई, दिल्ली जाएंगे भाई, उधर से उधर ही जाएंगे। दिल्ली भी है काम, और अचानक ही उस जयपुर का बन गया भाई प्रोग्राम, बाकी जाना दिल्ली ही था। राजस्थान का बन गया, तो राजस्थान जाना पड़ेगा। मैं चल पड़ी भाई, जो कोटपुतली सीमा है वो हरियाणा के टच में लगा है, और कोटपुतली रुक के खाना खावांगे। हाँ, आपको दिखाएंगे तो भाई अपना रिश्तेदार बड़ा शरीफ आदमी है, आपको दिखाते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। ला भाई कॉलेज ही देख लो भाई, रिश्तेदार ने बड़ी दिक्कत हो रही मारे। चलो भाई मिलते हैं। जींद पहुंच चुके हैं भाई, और कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर गया था, तो रिश्तेदार अपना अंदर जा रहे भाई लेन। तो मिलते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक देखो कौन सी लेगा यार, मरिंडा। कोक नहीं दिया उस पर, मरिंडा। मरिंडा भाई, मरिंडा ही लेके आ गया। तो भाई अपना कैथल है, देव जी अपनी रोटी रट्टी खाने लग रहे भाई, फिर रोटी खा के मिलते हैं भाई। मैं भाई 8-9 घंटे का सफर है, बस बीच ही है, बस ही तो जीजे ही करेगा भाई मेरी को लोगी। रोटी आ गई है भाई, और अपना भी खाते हैं भाई। रोटी हो चुकी है अपनी कंप्लीट, और भाई दाल रोटी थी सिंपल, क्योंकि भाई शाही पनीर वगैरह भाई मैं खाया नहीं करता, ना तो बढ़िया लगता मेरे से यार, ना भाई बस यार डाइजेस्ट भी नहीं होता अच्छे तरीके से। तो भाई अपना दाल रोटी के शौकीन है, शादी वगैरह में भी जाऊँ तो भी भाई दाल रोटी खाऊँ, साथ में लस्सी भी आ गई भाई, लस्सी भी आ गई भाई। तो भाई अभी फिर अपना चल रहे अपना राजस्थान की तरफ, कैथल पहुँच गए थे हम, कैथल आ गए थे ना, कैथल जींद पहुँच गए भाई, जींद आ गए थे भाई, जींद लस्सी है। तो भाई अपना रिश्तेदार थक गया था भाई गड्डी चलाते हुए, तो गड्डी भाई मैं चले रहा हूं, जहां अपने रोटी रट्टी खा ली थी इवनिंग कटन लग रहे, ये बोल दो रिश्तेदार क्या करे। 200 किलोमीटर गड्डी चला ली भाई,
राम राम भाइयों। दारू पीर किस तरह बोल रहे हैं? तेने पता ही है रिश्तेदार। ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपना मजाक चले भाई अपना। रोटा टिका के चलती है भाई, राजस्थान चढ़ने लग रहे 200 किलोमीटर कवर कर दिया। 200 किलोमीटर कवर हो गया भाई, 400 किलोमीटर रह गया भाई, 600 किलोमीटर है पूरा, 400 रह गया भाई, 200 मन नहीं करना। और क्या नाम ले करना उसका, अगर जो भाई 200 रह जाएगा उसमें हम 100 कर लेंगे, जिस तरह भी रहा अपना पार्ट कर लेंगे। गाड़ी चला रहे हैं भाई, और बोल शंकर भगवान की जय, जय श्री राम। और भाई अगला लोग दिल्ली का आएगा भाई, बस अभी इधर से मतलब राजस्थान कोटपुतली का आगा भाई, कोटपुतली राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। अरे कोटपुतली तो जान ले गए राजस्थान, उसके बाद जो लोग आओगे दिल्ली का होगा, राजस्थान को दिल्ली ठीक है। तो भाई अपना और बढ़िया लोग आवागा, एंजॉय करो लाइफ का, एक बार मिला है लाइफ, बोल शंकर भगवान की जय। कितनी बार भाई लेंद्र एक रो नाम मतलब मजाक कर रहे हैं। और भाई अपनी जो ना मेरा जीजा लगा भाई, मेरी सिस्टर का हस्बैंड है, तो भाई अपनी जोड़ी बड़ी है, मतलब कि अपनी बना दोनों की बड़ी है, तो जहाँ भी जहाँ हम इकट्ठे ही जहाँ जो भी हम अच्छा करा तो भी हम इकट्ठे करा, तो भाई हम जो हम कांड करा तो भी हम इकट्ठे करा, गलत हम भाई करते नहीं है ठीक है जी। मतलब इंजॉय कर रहे हैं यार लाइफ ने, बड़ी है दोनों जीजे साले की भाई, मतलब प्यार है बस, सबसे बढ़िया बात तो यह है प्यार होना चाहिए। प्यार है भाई अपना, अरे मेरे गेल तो बस यही चीज ही है यार, मतलब एक दो हम रह नहीं है जिस तरह भाई जीजे साले हम यारी दोस्ती के डाल रहा भाई, मेरा भाई यो मैंने छोटा भाई मानना भाई, मैं अपना बड़ा भाई मानू, बाकी कोई रिश्तेदारी वाला कोई मैटर नहीं है, अपना रिश्तेदार तो मजाक में कहते हैं इसने, तो भाई भाई रिश्तेदार अपना घर था, मैंने कहा चल चला भाई घुमा लिया तेने जयपुर राजस्थान बिठा लिया भाई, यो काम ऐसे रिश्तेदार बढ़िया कर दिया मेरा, वो लोग भी बन जाएंगे दो तीन है नी। बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, स्टार्ट हो गई है राजस्थान में बढ़ती, मतलब कि बस थोड़े ही दूर रह गया भाई, 50-60 किलोमीटर रह गया अपने राजस्थान ठीक है जी। और अपना भाई चल रहे, और ऐसा लग रहा है यार जिस तरह गादड़ गादड़ी का भी हो रहे हो भाई, क्योंकि बारिश भी है रही, और अपना सूरज भी नहीं कट रहा भाई, धूप भी हरी, बारिश भी हरी, इस तरह लग रहा है गादड़ गादड़ी का भी हो रहे हो। हमारी हरियाणा में भाषा में कहा भाई गादड़ गादड़ी का भी हो रहे हो, बारिश है रही है जिस तरह आपकी थोड़ी यार मैं इसका वक्त की मान्यता है क्या पूरी है, बारिश हो रही कहीं धूप हो रही, ये तो कुदरत की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है, क्रश क्रूस कर लिया लगा आज, क्रश क्रूस कर लिया आज, आज नहीं समझ आ रहे बोलना क्या भाई आज अपने साढ़े सात गिल है भाई, मतलब लोग मैं इसका थोड़ा सहारा लेते हैं, धक्का ले थोड़ा भाई, ऑल ओवर जो भी चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है, कुछ भी सीरियस नहीं है अपना, थोड़ा सा कंटेंट ही भाई थोड़ा मजाक करने वाला है, कि भाई मजाक करके ही बनाएंगे वो लोग, अगर मजाक नहीं होगा भाई तो वो लोग अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और भाई मैं डालूंगा नहीं उस व्लॉग को जिस व्लॉग में मजाक ना हो। और भाई चलते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं भाई सारा सीन क्या है क्या नहीं आगे का। क्यों भाई मैं राजस्थान वाले झाड़ से आया भाई, मैं पेड़ से किक्कर से के पेड़ हुए, और वो सामने पहाड़ झाड़ के साइड में पहाड़ है भाई, बिछड़े ऐसे एरिया है यार, यो यहाँ मतलब गाँव बस्ती भी नहीं है इतनी है ना, ना यहाँ पेट्रोल पंप है रस्ते में भाई, ना भाई यहाँ पेट्रोल पंप है, अपना रिश्तेदार भाई टॉयलेट करने चले गया, और भाई इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं नहीं गया भाई, मैं चप्पल नहीं पहन रहा था क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा, इस तरह का भाई मैं गया नहीं हूँ,
और अब वो आएगा फिर जाऊंगा भाई इसकी चप्पल लेगा, मैं अपनी चप्पल लेकर नहीं आया था भाई, वहीं जाके लूंगा। अबे मेरी चप्पल दे दे भाई। अच्छा यार बात होगी आज फिर रिश्तेदार बोतल अब फिर मेरे से दे देगा देख। अच्छा मैं ड्राइविंग कर रहा है, मेरे से चप्पल दे दे, मैं नंगे पैर कर रहा हूँ, वहां जाएगा अपनी दूसरी चोटी ले लेंगे अपनी वहां, ठीक है। तो वही अपना चप्पल देने लग रहे रिश्तेदार से, जो मर्जी कह ले देखो। और मस्त मगन बंदा है भाई, एक नंबर। अब बोलो भाई तेरा बाथरूम है रहा था, मगर ले बाथरूम बढ़िया बड़े बन रहे हैं भाई। रिश्तेदार ने कह रहे बाथरूम का बड़े साफ साफ सुथरे है भाई, चल देखा भाई। अपना रिश्तेदार खाने पीने के मामले में भाई पूरा तेज है भाई, पूरा तेज, जितना दो उतना कम। ओ देख भाई कहा ठंडा ही पीऊंगा, कहा भी तो पानी घट घट है, नहीं कहा ठंडा पीऊ। आजा किलोमीटर है भाई, 250 किलोमीटर अपना डेस्टिनेशन है भाई, जहां मैंने जाना। बाकी राजस्थान में अपनी एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हो कि ये पेड़ से खड़े भाई हैं, हमने ज्यादातर फोटो वीडियो में देखने नहीं मिले करना थे। यहाँ यहाँ तो भाई गेहूं भी कट गई भाई, टांगा ठाकुर तो भाई 200 किलोमीटर मैंने गड्डी चला ली थी और 200 अपने जीजा सिरे ने चलाई थी, और रह गया 200 किलोमीटर का और सफर। तो भाई 100 किलोमीटर चलाएंगे, बाकी चलते हैं भाई दिखाते हैं आपको। देखो भाई पहले सामने पहाड़, व्यू बहुत जेन्युइन है भाई यहाँ का। भाई सड़क बड़ी क्लीन है यहाँ की, कैसी है सड़क एकदम कच्चा है भाई, क्लीन बिल्कुल साफ, किस जैसी भारत देश जैसी है, भारत देश जैसी जाना चाहो भारत देश में। अच्छा जी मजा दे यार, कल जयपुर पहुंच गए थे भाई पिंक सिटी के बाहर खड़े, इस साइड भाई पिंक सिटी है और उधर भाई ये जाम बहुत ज्यादा लग रहा है, साइड द्वार है पिंक सिटी भी है भाई इसके पीछे दवाल के पीछे। और भाई जयपुर ही रुकेंगे आज, और हमने 100 किलोमीटर को और सफर करना भाई अजमेर तक का। तो भाई अपना कल कवल होगा अजमेर भी दिखाएंगे, आज जयपुर ही रुकेंगे भाई, हमको अजमेर जाना था। तो जयपुर से अजमेर भाई 100 किलोमीटर दूर है किशनगढ़, ठीक है जी। तो होटल में रुकेंगे भाई, आपको दिखाएंगे भाई कौन से होटल में रुकेंगे, और बने रही हो भाई अगे जी जगह भाई, मस्ती भी करनी थोड़ी जी। ये है भाई अपना होटल, यहाँ रुकेंगे। बात करे आप है? बात करे भाई, अरे बात कर ले, कमरे देख लेंगे। चल ठीक है, तो यहाँ रुकेंगे भाई हम। क्या कहना चाहोगे कार्ड सा? यो भाई पंचिंग कार्ड है जिससे रूम का गेट खुलता है, गेट खुलता है, लॉक खुलता है। थ्री स्टार प्रॉपर्टी है भाई, अपन रुकेंगे थ्री स्टार प्रॉपर्टी होटल दिखा दिया मैंने, होटल दिखा दिया। रहा भाई अपना 102 रूम पे पहुंच गए हैं भाई, और अब डिनर करेंगे भाई अब, और फिर आपको दिखाएंगे भाई। भाई ज्यादा कुछ नहीं, मैं दाल मखनी खाने वाला बंदा हूँ भाई, दाल गेला सिंपल रोटी भाई गेहूं की, या फिर मिक्स मिल जाए भाई, ठीक है मिस्सी की। बाकी ज्यादा हमने नान नून का भाई शाही पनीर का शौक नहीं है, रिश्तेदार
रिश्तेदार तो बने ऐसा है भाई, बंदा अगर 10 रुपए की नमकीन मिल जाए ना उसका भी गल्ला मारेगा। भूत तक है जो ऊपर से रखे। अरे भाई कोई चक्कर नहीं है अपना, कोई ज्यादा शोप वाला सिस्टम नहीं है कि भी हम शाही पनीर ही खावाएंगे, हम दाल मखनी नहीं खा सकते भाई। तीन चार बार कर देने को बिट जा। सिम 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 सिम। चलो अच्छा चलो अच्छा, बहुत हो गया मजाक। चलो चलो भाई अब लोगों गाली देती। चलो भाई बहुत हो गया था मजाक। रोटी आ गई थी भाई अपनी दाल मखनी के साथ, और भाई सैलेड भी है साथ में, और ये अपने रोटियां भाई यूं की है भाई सिंपल। और भाई अब खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं भाई आपको। इसी के साथ भाई व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अपने रिश्तेदार चित तो भाई अगला व्लॉग आएगा अजमेर का भाई, तो अजमेर की दिखाएंगे भाई आपको जिस भी हम साइट पे जाएंगे भाई। और क्योंकि भाई कंपनी काम पे आए हुए हैं हम, तो जी जी अपने कंपनी में लग रहे, तो भाई जी तो जीजे के साथ आया हूँ भाई मैं, तो भाई दिखाएंगे भाई वहाँ क्या क्या काम हुआ भाई, हमने क्या क्या काम नहीं करा, और भाई फुल इन्जॉयमेंट हुई अगले व्लॉग में भी फुल मस्ती, क्योंकि मस्ती के बिना भाई अपना व्लॉग नहीं बनता। जय श्री राम।